तो ये तो बीजेपी की भाजपा की पुरानी आदत है और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी पर और आरएसएस के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है तो ये कोई नई ताजुब की बात नहीं है असल मुद्दों से गुजरात की जनता की तवज्जो हटाने के लिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो उन्होंने कोविड में लोगों को लाचार और यतीम बनाकर बेसहारा बनाकर छोड़ दिया जिससे कई लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन नहीं मिला महंगाई आसमानों को छू रही है बेरोज़गारी युवाओं का मुखदर बन चुका है जनता की तनख्वाहें कम हो रही हैं तो मिसगवर्नेंस है गुजरात में तो बीजेपी की ये कोशिश है तो ये नई बात नहीं है मगर बीजेपी अपनी नाकामियों को इस तरह के फैसलों से नहीं छुपा पाएगी सब पार्टियां ये देख रही हैं कि कैसे अगर मोदी को हराना है या पॉलिटिकली उनको डिफीट देना है तो वो उनसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर आ, चल चल कर दिखाना चाह रहे हैं इसलिए आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या जितने भी सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हो, वो मुसलमानों का नाम लेने से डरती हैं और मुसलमानों के इशूज़ को हाईलाइट करने से डरती है जबकि अगर आप देखेंगे कि दलित समाज आदिवासी समाज के साथ अगर कोई नाइंसाफी किसी से हुई है सरकारों की तरफ से तो मुसलमान उसमें शामिल है तो इसलिए मैंने कहा कि आज पॉलिटिकली मुसलमानों को एलिनेट कर दिया जा रहा है पॉलिटिकली मार्जनलाइज कर दिया जा रहा है और उसका नतीजा नहीं कर रहा है कि इकोनॉमिकली मुसलमान बहुत कमज़ोर हो चुका है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो कोई पार्टी नहीं करना चाहती और इसीलिए मैंने कहा कि आज भारत की राजनीति में और गुजरात में मुसलमानों के वोट की ना ज़रूरत है ना उसकी अहमियत है दूसरे पार्टीज़ को इसलिए उनको पॉलिटिकली इनविजिबल बना दिया गया अभी चुनाव की तैयारी तो हम लोग आप देख रहे हैं कि पिछले दो तीन महीने से हम मैं ख़ुद रेगुलर आ रहा हूँ और हमारे जो गुजरात के अध्यक्ष हैं जनाब साबिर भाई काबली वाला और हमारे तमाम ज़िम्मेदार पार्टी के उनके साथ मिलकर चुनाव की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमने बहुत से विधानसभा से अपने कैंडिडेट्स का भी नाम का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में मैं आज कल भी था आज भी हूँ और गुजरात को आते रहेंगे हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स की पार्टी कामयाबी के लिए बहुत मुद्दे हैं गुजरात की जनता के लिए गुजरात की जनता भाजपा की तीस साल की सरकार में देख रही है कि बीजेपी में एक अहंकार पैदा हो चुका है बीजेपी में बड़ा एरोगेंस पैदा हो चुका है और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी उनको हरा नहीं पाई है तो इसलिए बीजेपी गवर्नेंस के नाम पर कुछ दिखा नहीं पा रही है रोज़गार का मसला है शिक्षा का मसला है हेल्थ का मसला है महंगाई का मसला है अब डबल इंजन डबल इंजन बोलकर क्या मिल रहा है आप देख रहे हैं कि हर जगह पर गरीबी पावर्टी बढ़ चुकी है आ, गुजरात में आ, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत मुद्दे हैं गुजरात की चुनाव में जा बीजेपी के ख़िलाफ़ और स, इस सच्चाई पर मुबनी है कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है तो ये हम सब चीज़ों को उठाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में जहाँ पर हर समाज की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है या एक पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है अगर किसी की पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है ना किसी की पॉलिटिकल लीडरशिप है तो वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की है